किच्छा विधानसभा विधायक राजेश शुक्ला की ओर से रविवार को कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर उन्हें मास्क व सैनिटाइजर बांटे। वहीं किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने पंतनगर भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर क्षेत्र से गुजर रहे गरीब व प्रवासियों के भोजन की भी व्यवस्था की, नगला बाईपास पर की है। बताते चले कि पंतनगर क्षेत्र में लागू लॉकडाउन के बीच गरीबों एवं असहाय व पुलिस कर्मियों को राज्य आंदोलनकारी विकी पाठक और उनकी टीम द्वारा भोजन कराया जा रहा है, जिस पर आज किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने सभी के हौसला अफजाई करते हुए फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि संकट की इस घड़ी में कोरोना योद्धा खुद की चिंता छोड़ आम जन की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। कोरोना योद्धाओं के इस हौसले का हम सभी को स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी लोगों को कोरोना संक्रमण के खिलाफ चल रही जंग से बचाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमने ये चुनौती थी कि जब अचानक लॉकडाउन किया गया था तो जो लोग ऐसे लोग जो यहाँ मजदूर या ऐसे लोग जो यहाँ के नहीं रहने वाले थे, फंसे हुए थे, उन सबको भोजन कराने की चुनौती थी। उसके रूप में एक यहाँ कैंटीन चलाई थी। बाद में फिर जब लॉकडाउन थोड़ा सा ढील हुई तो उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अब उसके बाद से फिर ये महसूस हुआ कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, जो लड़ रहे हैं कोरोना, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं और लोग हैं, उन सब की भी हमें चिंता करनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे साथियों ने, पाठक जी हैं, हमारे देवराड़ी जी हैं, खाती जी हैं, मौर्य जी हैं, तमाम सब साथियों ने यहाँ फिर से अभी शुरू किया है कि हम यहाँ भोजन बना करके जो राहगीर जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर टीवी पर देखने आ रहा है कि राहगीर फंसे हुए हैं कई जगह, उनको भोजन नहीं मिलता, तो राहगीरों को और जो कोरोना योद्धा हैं, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं इसमें रात दिन, पुलिस के लोग, अन्य लोग, उन सबको भोजन बनाकर देने का काम आज से शुरू किया है। आज मेरे हाथ से इसका शुभारंभ भी किया है। मुझे इन साथियों को सम्मानित करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कैसे महान लोगों में सम्मानित कर रहा हूँ जो कोरोना के खिलाफ लड़ने वालों के किस सेवा में जुटे हुए हैं और जो इसमें फंसे हुए हैं उनके लिए जुटे हुए हैं। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।